हाँ जी चाल चाल किता बढ़िया दिया मौज बाहर चल रही है बिल्कुल पढ़ रहे हो हाँ जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं सर तो हमने अपने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं स्टेटिस्टिक्स के फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ठीक है नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सेंस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑल्दो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि हमारा सेक्टर सेक्शन नंबर नंबर चैप्टर सेकंड था उसी के साथ इसको अगर हम चाहें तो इसको मर्ज करके भी पढ़ सकते थे बट ठीक है कुछ बुक्स ने इसको और आपकी बुक्स में ये सेकंड नहीं है थर्ड चैप्टर है तो हम इसको भी वैसे ही पढ़ के चलेंगे तो हमने भी इसको अलग चैप्टर के तरह लिया ठीक है तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपको बताइए कि आपको क्या करना होता है आपको शेयर करनी होती है हमारी वीडियोस को लाइक करवाना होता है लाइक करना होता है अगर आपको एक्चुअली में अच्छा लगे ठीक है तो वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करवाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को दबाना तो तो बिल्कुल 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 मत भूलिएगा क्योंकि तो लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो फिर करना तो पड़ेगा ही ठीक है चलिए तो चलिए तो तो स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी को शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगा बहुत अच्छी और मुझे लिटरली एक्चुअली में लगा कि यार वर्थ इट है और ये चीज जानना सिर्फ खाली जानना है, तक सीमित नहीं रखना इस चीज को समझना बात बहुत छोटी सी है बट बात बहुत गहरी है so, कहानी क्या है कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी नहीं पता होता कि जीत क्या है रेस में दौड़ने वाले घोड़े को भी नहीं पता होता जीत क्या है बस वो दौड़ रहा होता है क्योंकि उसका मालिक उसे तकलीफ देता है मारता है समझाता है ट्रेन करता है इसलिए वो दौड़ता है और वो जीतता है अगर आपकी लाइफ में भी कोई कोई प्रॉब्लम आए तकलीफ आए तो समझ लेना आपका मालिक यानी हमारा मालिक यानी वो रब हमें तकलीफ इसलिए दे रहा है ताकि हम जीतना सीखें और हम जीतें यानी वो हमें जिताना चाहता है तो समझ लीजिएगा कि ये जो तकलीफें हैं ये गुजर जाएंगी क्योंकि एक अच्छे समय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जीतना है तो कुछ सीखना है और सीखने के लिए हमें हर 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 मेहनत करनी है और हर मैदान फतेह भी करना है ठीक है तो एक छोटी सी कहानी जो मुझे लगी बहुत अच्छी शेयर करनी और मुझे सीरियसली लगा कि यार ये एक छोटी सी बात आपकी लाइफ चेंज कर सकती है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए ठीक है तो बिल्कुल आपको जीतना है सबको जीतना है इस लाइफ में आप अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है डेली कुछ अच्छा करना है तो बिल्कुल कीजिएगा और उसके लिए जीत और मेहनत जितनी भी करनी पड़े आपको करनी चाहिए ठीक है तो चलिए फिर हम आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेंसर एंड सैंपल मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा तो सबसे पहले सेंसर एंड सैंपल मेथड को समझ लेते हैं छोटा सा मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है ठीक है रेदर देन पढ़ने से पहले एक छोटी चीज को समझ लेते हैं समझ के उसको कर लेते हैं लेट्स यूनिवर्स है क्या है यूनिवर्स है कंप्लीट ब्रह्मांड है आपको मैंने बताया दा टोटल पॉपुलेशन एक जगह की हम उसको क्या यूनिवर्स का नाम देते हैं इसमें कई टाइप के डेटा है देख रहे हो प्लस माइनस शून्य स्टार वट ठीक है यानी हेट्रोजीनियस डेटा है हर डेटा को उठा के उसकी इंडिविजुअल स्टडी करना उसको इंडिविजुअली चेक करना इसको सेंसस मेथड यानी एक एक को चेक करके चलना ठीक है यूनिवर्स में से और यही मैं हर टाइप के डेटा के कुछ सैंपल निकाल लू यानी कुछ कुछ चीजें यानी कुछ नंबरिंग मान लो पचास पचास हर चीज के देखो तो उसमें से पांच पांच निकाल के एक अलग सा कलेक्शन बना लिया उसे हमने बोला सैंपल मेथड ठीक है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल छोटा सा फिगर आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चले फिर इसको पढ़ते हैं आगे तो सेंसस मेथड क्या होता है कह क्या रहे ये वो मेथड है जिसमें हम ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे ठीक है जिसमें हमें कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करनी है फॉर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्स ठीक है तो यह कहां का मेथड सुटेबल होगा जहां पे जहां पे जहां पे एरिया स्मॉल है एरिया ऑफ यूनिवर्स इज स्मॉल बहुत छोटा और लिमिटेड है यानी बहुत ज्यादा आइटम नहीं है टू चेक टू स्टडी टू डिस्कस ठीक है तो हम एक एक को कर सकते हैं आइटम्स विविध प्रकार के हैं डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग टाइप के हैं हिट्रोजीनियस होमोजीनियस नहीं है तो अलग अलग हमें सबको करना है ठीक है हमें इंटेंसिव यानी डेप्थ इन डेप्थ एग्जामिनेशन की जरूरत है आइटम्स की तो हम ये मेथड को यूज करते हैं ठीक है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस मेथड को यूज तो कर सकते हैं एरिया बहुत स्मॉल है यूनिवर्स बहुत छोटा है ठीक है डाइवर्सिफाइड आइटम्स है डाइवर्सिफाइड विविध प्रकार के आइटम्स है इंटेंसिव एग्जामिनेशन डेप्थ एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो हम में क्या, क्या, क्या पढ़ा जब हमें क्या चाहिए एक्यूरेसी चाहिए तो अब यही इसके एक मेरिट भी है कि हमें क्या मिलेगा जो डेटा मिलेगा वो वो मिलेगा एक्यूरेट बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा रिलायबल डेटा मिलेगा बिकॉज हमने हर आइटम को इंटेंसिवली स्टडी किया यूनिवर्स के ठीक है बायसनेस नहीं होगी लेस बायज होगा सेंसस मेथड इज लेस बायस बिकॉज ठीक है क्यों क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है अगर मैं बात करूं अब ऑफ इन्वेस्टिगेटर डिस्क्रिप्शन की उसको सैंपल सिलेक्ट करना ही नहीं है उसको सारे चीजों को चेक करना है उसको ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है तो सैंपल की तो बात ही नहीं है तो उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बाय आइटम उठा सकता है जो उसको लगे सही ठीक है अपने काम को कम करने के लिए तो वो सिलेक्शन तो है ही नहीं इसमें सैंपल की तो बायसनेस नहीं होगी ठीक है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ठीक है बिल्कुल हम बात करके चलेंगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्योंकि सारे आइटम्स को हमने डिस्कस किया समझा ठीक है तो मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है इस मेथड से हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएंगे हमें सारी बातों को तो पता चलेगा ही ऑब्वियसली ना कुछ छूटेगा तो है नहीं तो so सारी चीजों को इंटेंसिवली जब हम समझते हैं तो हर एक के बारे में इंडिविजुअली जान पाते हैं आई बात समझ में तो कुछ डिमेरिट्स ऑब्वियसली अब डिमेरिट्स क्या होंगी अब देखिए सब मेथड्स को करना है तो मनी ज्यादा लगेगी टाइम ज्यादा लगेगा एनर्जी ज्यादा लगेगी तो कॉस्टली मेथड होगा ठीक है हमें क्या चाहिए होगा लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ट्रेन एन्यूमरेटर जो जाके उसको चेक कर सकते हैं ठीक है इस मेथड के लिए ट्रेंड चाहिए होंगे हमें ठीक है लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है इतने सारे आइटम ज्यादा होंगे तो हम एक एक को चेक नहीं कर पाएंगे ठीक है तो तो ये सूटेबल नहीं होता ठीक है आई बात सामने तीन तीन चीजें चीजें हमने पढ़ ली तीन इसमें ये थी कि डीमेरिट्स में कॉस्टली होता है ठीक है कॉस्टली होता है सुटेबल नहीं होता लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए लार्ज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें ठीक है मेरिट्स में हमने पढ़ा क्या एक होगा लेस बाय होगा ठीक है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बाद हम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाते हैं आई बात समझ में चलिए फिर आगे पढ़ते हैं सैंपल मेथड के बारे में सैंपलिंग मेथड क्या होता है इसमें अभी मैंने आपको जो बताया सैंपलिंग मेथड रेफर टू दैट पर्टिकुलर मेथड उस मेथड के बारे में बात करते हैं डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कुछ सैंपल उठाए हमने ठीक है जो सम आइटम्स का होगा जो कलेक्शन होगा डेटा का वो बहुत कम आइटम्स का होगा उस सेंसस में से सेंसस में से निकल के आ रहा है डेटा ठीक है बट सैंपल की तरफ ठीक है जैसे जैसे हमें ब्लड ग्रुप चेक कराना होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड ग्रुप हमारे कुछ ड्रॉप से चेक करता है सारा खून बाहर निकाल देता है ठीक है तो वो एक सैंपल लेता है सैंपल हमें यहाँ पे हल्का सा नीडल से ब्लड निकाला जाता है उसको एक मिरर प्लेट पे लेके उससे चेक किया जाता है हमारा ब्लड ग्रुप ठीक है तो वो क्या है एक सैंपल मेथड है तो ये सूटेबल कहां होगा इसकी सुटेबिलिटी क्या है जहां पे इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है अब आपने देखा वहां पे स्मॉल था यहां ज्यादा है वहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की जरूरत है यहां पे उसकी जरूरत नहीं होगी वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है और वहां पे यानी हमने बात की थी डाइवर्सिफाइड आइटम्स की डाइवर्सिफाइड मतलब विविध प्रकार के यहां पे वो होमोजेनियस आइटम्स होंगे वहां तो यहां होमोजेनियस सब एक जैसे आइटम्स है उसी में से दस पंद्रह का उठाया सेम कैरेक्टर जैसे सब बिहेव कर रहे होंगे वैसे बाकी सब कर देंगे तो उसके बेसिस पे हम अजम्पशंस ले लेते हैं आई बात समझ में तो इसकी मेरिट्स क्या होंगी मेरिट्स 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 क्या इकोनॉमिकल होगा ठीक है ऑब्वियसली लेस टाइम लाइक मनी लेस मनी लेस एनर्जी तो इकोनॉमिकल होगा टाइम सेविंग होगा ठीक है हर एक आइटम्स को हर एक आइटम को हमें क्या बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा टाइम हमारा सेव होगा रेदर देन एक हम पचास आइटम चेक करें और एक हम पांच आइटम चेक करें तो टाइम कम किस में लगेगा ऑब्वियसली पांच आइटम को चेक करने में ठीक है एरर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर तो अगर हमें कोई गलती मिलती है गलती लगती है तो हम इजीली चेक कर पाएंगे एक पचास आइटम्स में से गलती निकालना और एक पांच आइटम्स में से गलती निकालना ज्यादा इजी होगा तो एरर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन दिस मेथड ठीक है लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल होगा टेम्पल मैथड इज मोर फिजिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें तो उसके लिए हमारे लिए सूटेबल होगा और मोर साइंटिफिक होगा ठीक है कह रहा है कि सैंपल डेटा कैन बी कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स अब उसको हम साइंटिफिकली कई तरीकों से एक तो यार बहुत सारे आइटम्स हो तो उसको एक तरीका ही करना मुश्किल हो जाता है ठीक तो है तो अब यहाँ पे हमारे पास छोटा सा सैंपल है तो छोटे से सैंपल को हम कई तरीकों से कई मेथड से एक चेक कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं एग्जामिन कर सकते हैं जिससे हमारे पास रिजल्ट भी फिर एक्यूरेट ही आते हैं आई बात समझ में पक्का चले फिर आगे तो डी मेरिट्स देख लेते हैं इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं पार्शल इसमें पार्शल हो सकता है बायस हो सकता है सैंपल को सिलेक्ट करने में और उसी पार्शियलिटी की वजह से कंक्लूजन रॉन्ग आ सकते कंक्लूजन तो सेकंड पॉइंट हमारा रोंग कंक्लूजन हो गया ठीक है उसके बाद डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इट इज नॉट वेरी इजी टू सिलेक्ट अ सैंपल विच वुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन हम किसको लें कैसे कौन सा अप्रोप्रिएट एप्ट 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 सैंपल होगा जो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा सके तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आई बात समझ में कि कौन से सैंपल को हम एज ए सिलेक्टिंग सैंपल लें जिससे हमारी स्टडी जिससे हमारी स्टडी हमारे रिजल्ट सब कुछ एप्ट आ सके अप्रोप्रिएट आ सके ठीक है इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट है स्पेशलाइज नॉलेज की वन शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स अब कौन सा सैंपल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ऐसे तो नहीं यार ये आग बन किया जो हाथ में अच्छा लगा वो उठा लिया नहीं यार उसके लिए भी एक टेक्निक होती है उसके लिए नॉलेज की चाहिए होती है कि कौन सा सैंपल ले कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो जाए तो हमें सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए ही अपने सैंपल को सिलेक्ट करना होता है आई बात समझ में क्या पढ़ा हमने आज आज हमने अभी तक जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन बेस्ड था हमारा सैंपल एंड सेंसस मेथड पे सैंपल एंड सेंसस मेथड पे सेंसस मेथड की हमने सुटेबिलिटी देखी तार एरिया बहुत छोटा है डाइवर्सिफाइड आइटम्स होंगे एक्यूरेसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है रिलायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ठीक है ये हमने उसमें देखा उसके बाद हमने बात करी उसके मेरिट्स की और उसके डिमेरिट्स की फिर हमने सैंपल मैथड की देखा वही अपोजिट हो जाएंगी उसके की होमोजीनियस डेटा है सुटेबिलिटी अगर हम बात करें सैंपल मैथड की तो होमोजीनियस डेटा है ज्यादा एरिया नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करें ठीक है ये जो छोटी छोटी चीजें हम छोटे छोटे सेशन में पढ़ रहे हैं ना ये हमारा जब एंड होता है ना चैप्टर का रिविजन में कन्वर्ट होकर आती है ना क्या बाय बा, गॉड बॉस मुझे तो लगता है कि मतलब लिटरली कि अगर हमने अपने टाइम पे किया होता तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता ठीक है तो प्लीज आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आप करते रहिए इसको पढ़िए हम नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं ठीक है चलिए बाय टेक केयर एंड प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द आइकन ठीक है बाय टेक केयर